स्वागत है आपके साथ, मैं हूं स्मिता। चलिए सीधा रुख करते हैं ग्वालियर के दिमनी का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। विष्णुदत्त शर्मा भी दिमनी विधानसभा के बगल में ही गाँव है, यही है बगल में ही। और यहाँ गिरिराज दंडोतिया मंत्री भी है, मंत्री मुंशीलाल जी के बाद पहली बार अपन ने बनाया है। कभी कांग्रेस ने बनाया क्या यहाँ था कभी मंत्री? तो हमने भी कहा पड़े हो गिरिराज दुष्टन में फालतू में, चलो इधर आओ गिराओ गुरु सरकार। आदरणीय सिंधिया जी ने कहा कि जो सरकार वादे पूरे नहीं कर रही, वचन नहीं निभा रही, उसको गिराए। हम तो भैया सुनो, जब 2018 के रिजल्ट आए तो अपन ने मान लिया कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रहेगी, तो मामा ने भी झोला टांगा और निकल पड़े कि ठीक है अब तो लड़ाई भड़ाई लड़ते ही ना, गड़बड़ होगी आंदोलन करेंगे। तब भी मुझे कहा था लोगों ने, निर्दलीय विधायकों ने, कि अंदर बहुत नहीं है, 4-5 ही सीट का है, मत बनने दो सरकार। मैंने कहा देखो भाई उनकी सीट ज्यादा है इसलिए अब कांग्रेस ही बनाए, और मैंने कहा जब दिमनी में ही नहीं जीते यार तो काहे की सरकार बरकार, छोड़ो छोड़ो मामा। तो हम तो अपने रास्ता में थे, सोचा ये था कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई है, वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे। लेकिन पहले दिन से ही धोखा दिया, बनाना था किसी और को मुख्यमंत्री और बना दिया किसी और को, सही बात है कि नहीं? अच्छा वो अब देखो कभी जनता के बीच नहीं आए जो मुख्यमंत्री थे कुछ दिन पहले तक, पता नहीं 75-74 कितनी उम्र है, लेकिन चुनाव देख के दादा कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं, जवान को छोड़ दिया पीछे, फिर मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा बन भी गए ठीक है, सिंधिया जी ने भी सहन कर लिया, अब बनते तो काम करते। गिरिराज दंडोतिया जी आपको क्या रहे थे, वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं, मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, दलालों का अड्डा, लूटपाट केवल, विकास के लिए पैसा नहीं समय नहीं, कर्जा माफी में धोखा किया, कहा था सबका कर्जा माफ, कई लोगों ने इसी चक्कर में दे दिया कि यार मजा आ जाएगा 2 लाख तक सबके माफ। और जब आदेश निकाला तो पहले निकाला कि जो अल्पकालीन फसली ऋण है वो ही माफ, दीर्घकालीन वाले किसानों को कर दिया साफ, लाखों किसान बाहर, हमारे कलाकार कमलनाथ जी। फिर दूसरा आदेश निकाला कि केवल मार्च 2018 तक का माफ, मार्च से लेकर दिसंबर तक वाले किसान कर दिए साफ। फिर तीसरा आदेश निकाला कि केवल कालातीत माफ, चालू खाते वालों को कुछ नहीं मिलेगा, तो मर गए चालू खाते वाले बेचारे, इस चक्कर में वोट दे दिया था पैसा नहीं भरा, डिफाल्टर हो गए, अब मैं जहां जाता हूं बचा ले मामा, मर गए तो चिंता मत करना, ब्याज की गठरी जिसके सर पर रखिए कमलनाथ के कारण, वो ब्याज की गठरी मामा नीचे उतारेगा, किसान भाइयों मामा नीचे उतारेगा। धोखा देते रहे, फिर कर दिया केवल एक खाते वाले के माफ, बाकी साफ, धीरे धीरे सबको बाहर कर दिया। 55,000 करोड़ की कर्जा माफी घटाते घटाते कमलनाथ जी ले आए 6,000 करोड़ पे, और उनके भी आधे पैसे नहीं दिए, आधे सोसाइटी से कह दिया तुम दो। और मैं तो हैरत में रह गया, जब मुख्यमंत्री बन के बल्लभ भवन गया तो बैंक वाले आ गए कि मामा मर गए, इनका क्यों? बोले कमलनाथ जी कर्जा माफी के प्रमाण पत्र बांट गए, पैसा दिए ही नहीं है, पैसा दे दो नहीं मर जाएंगे बैंक वाले, तो 800 करोड़ मैंने भरे, अभी मैंने भरे, एक वचन पूरा नहीं किया। और जब यह स्थिति बनी तब सिंधिया जी ने चेताया, तो चेतावनी नहीं मांगी, सिंधिया जी भी कहां पड़ गए थे चक्कर में, अरे सीख बा को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख ना दीजिए बांडरा, उन्हीं को चुनौती दे दी। और इसलिए फिर गिरिराज दंडोतिया ने तय किया कि ऐसी बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकार में मुझे नहीं रहना, इस्तीफा पटक के और वापिस जनता की सेवा के लिए गिरिराज भी निकल जाए।
हम तो भैया आराम से बैठे थे कि लड़ना है, लेकिन पता नहीं बसैया मैया की कैसी कृपा हुई कि सब हाल में हम फिर बन गए। अब कांग्रेस ही बड़े परेशान है और ये बड़े बड़े लोग उद्योगपति परेशान है कि मामा तो 14 साल से बैठा छाती पे मूंग डल रहा है, फिर बन गया यही। रोज सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूं, तो आजकल कभी कहते हैं कि मैं नालायक हूं, ये उद्योगपति कहते हैं मुझे नालायक, फिर कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहे, तुमने तो चमन नहीं दी दिवनी में, 12 सड़कें 70 करोड़ की मैंने गिरिराज दंडो के आगे कहने पे इस क्षेत्र में दी, 6 महीना के अंदर 12 सड़कें, जो मांगा दिया और कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। गिरिराज अभी तो ये ट्रेलर है यार, जीत के आ जाओ फिल्म फिर दिखाऊंगा, विकास की तो चिंता मत कर, अभी तो शुरुआत। अब जब मैं ये विकास के काम करता हूं तो उनके पेट में दर्द होता है, वो कहते हैं शिवराज सिंह तो नारियल लेके घूमता रहता है, हर कहीं फोड़ देता है। अरे तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुमने विकास के काम करे ही नहीं, हमारी किस्मत में ही नारियल फोड़ना, तो हम क्या करें बता। कह लग नारियल लेके चलता है, मैं नारियल लेके नहीं चलूं तो क्या शैंपेन की बोतल लेके चलूं संग। अरे भैया हम बसैया माता के भक्त तो नारियल लेके धरेंगे और कभी संग लेके थोड़ी घूमेंगे। और अभी तो गजब ही कर दिया उनने, कह लगे शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे परिवार का है, बारे उद्योगपति हम इस धरती में पैदा हुए, तेरे गांव का ठाव का कोई ठिकाना नहीं, नरा कहां गड़ा ये पता नहीं किसी को, कहां से आए हमें करा नंगे भूखे। अरे हमें नंगे भूखे ही रहने दो, हम नंगे भूखे अच्छे हैं। तुम उद्योगपति सत्ता में आए तो तुमने मध्यप्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया, हर पोस्ट की कीमत तुमने लगा दी, जनता को लूट लिया, कर्जा माफी करके धोखा दिया, तुम उद्योगपति साहूकार और मामा नंगा भूखा। अरे हाँ मैं नंगा भूखा हूं, और इसलिए नंगे भूखे ने आते ही किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देना शुरू कर दिया, जो तुमने बंद कर दिया। ये उद्योगपति बता दू, पर किस साल तूने बाजरा क्यों नहीं खरीदा, मैं नंगा भूखा हूं, चिंता मत करना, बाजरे का एक एक दाना खरीदूंगा, समर्थन मूल्य के नीचे बिक रहा है। ये उद्योगपति है, इनमें मेरे भांजे भांजों की फीस भरवाना बंद कर दी। सुन लो रे मेरे बेटा बेटियों, सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, एससी एसटी, मैंने तुम्हारे लिए संबल योजना बनाई और योजना बना के तय किया कि जो मेधावी बच्चे हैं गरीब 8 लाख तक की आए, ताकि वो सामान्य वर्ग के हो चाहे पिछड़े वर्ग के हो एससी एसटी के हो, और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी बड़ी उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। हम नंगे भूखे हैं, हमने फीस भरवाई, तू उद्योगपति तूने बंद कर दी फीस भरवाना, पर अब मामा नंगा भूखा आया तो फिर फीस भरवाना चालू कर दी, चिंता मत करना। हम नंगे भूखे हैं, हमने बच्चों को लैपटॉप देना शुरू किया, तू उद्योगपति तूने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, स्मार्टफोन छीन लिए, हम नंगे भूखे हैं। मेरी बहनों बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000 और 5 में 12,000 मैंने इसलिए दिए कि मेरी गरीब गुड़वा बहन घर रह के आराम कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद, और तू उद्योगपति तेरे मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ के 16,000 भी छीन लिए। हम नंगे भूखे हैं, हम बेटियों का कन्यादान करवाते थे, तुमने 51,000 कहके बेटियों की शादी में धेला नहीं दिया, तू उद्योगपति है। हम नंगे भूखे, एक्सीडेंट में अगर मौत होती थी किसी गरीब की, हम 4 लाख रुपया घर भिजवाते थे ताकि विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ जैसी ना कटे, जिंदगी आसान बन जाए। पर वारे कांग्रेसी उद्योगपति, तूने विधवा बहनों के वो 4 लाख रुपया छीन लिए। हम नंगे भूखे, हम सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, तुम उद्योगपति हो
तुमने वो 2 लाख छीन लिए, हम नंगे भूखे, हम अंतिम संस्कार के लिए गरीब की मौत पे पंचायत में ही 5,000 रुपया रखवा देते थे ताकि कफन का और संस्कार का इंतजाम हो जाए। ए उद्योगपति, तुमने तो कफन के 5,000 भी गरीबों के छीन लिए, कफन के 5,000 छीन लिए। ये बड़े लोग, ये उद्योगपति, ये मुझे नंगा भूखा कहते हैं। हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की, हम नंगे भूखे, तुमने उस योजना को बंद करवा दिया। तुम उद्योगपति, अरे फसल बीमा योजना के तुम 2200 करोड़ प्रीमियम के खा गए थे, किसान को ढेला नहीं मिला और मामा ने प्रीमियम जमा करवा के पहले 3100 और बाद में 4688 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलवाया। हम नंगे भूखे, हमने तय किया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठे, प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपया आते थे, दिलने का मामा चौथी बार बन गया, अरे 4,000 और डाल दू, 10,000 तो कर पूरे, मैंने 10,000 पूरे कर दिए। और वो उद्योगपति है, किसान के ब्याज के पैसे भी देना बंद कर दिए थे। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हो तकलीफ है, आज वो मामा को गालियां बकते हैं, नालायक, नंगा भूखा, जो कहेगा जो कहना हो कह लो, लेकिन सुन लो, मामा इस माटी में पैदा हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए जिएगा, मध्य प्रदेश की जनता के लिए मरेगा। तुम्हारा क्या लेना देना इस माटी से, कभी आए गरीब का दर्द देखने? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? आज हमसे बात कर रहे, प्रदेश को तबाह और चौपट करने वालों, जनता जवाब देगी। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचना मेरे बहनों और भाइयों। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी बैठी है, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे साथी जो आज देश के नेता है, मैं धन्य हूं ऐसे मित्र को पाके, जब जरूरत पड़ती है केंद्र सरकार से पैसा ला के दिलवाते, ये केंद्र से पैसे लाएंगे। उन्हें तो गरीबों के मकान बनवाने बंद कर दिए थे, ये तोमर जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 साल में कोई गरीब का कच्चा मकान नहीं रहने दूंगा, सबको पक्का मकान बना के दे दिया जाएगा। और मेरी बहनें आज बैठी है, 3 साल में ये खेचू चलना बंद करूंगा, नल जल योजना बना के नल लगा के घर में पानी देंगे, नल लगा के घर में पानी देंगे, विकास की नहीं गाथा लिखेंगे, उनको क्या लेना देना? और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, इस चुनाव में जात पात के ऊपर हमको उठना पड़ेगा बहनों और भाइयों, देखना पड़ेगा हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे काम कौन करेगा। अगर ये सारे काम जो मैंने आपको गिनाए ये जारी रखना है, और विकास की सूची लंबी है जो अभी भी हमने स्वीकृत किए हैं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, अभी तो शुरुआत है, वो तो रोते ही रहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, मामा सब ले गया। मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है, जनता के लिए पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। बताओ आपको रोतेला मुख्यमंत्री चाहिए क्या जो रोते ही रहे पैसे ही नहीं है, पैसा ही नहीं है? अरे मैं कहता हूं कहीं से भी लाओ, लेकिन जनता को कमी नहीं आने दूंगा। नेता तो वो है जो नई रास्ता बनाते हैं। और आज आपसे निवेदन करने आया हूं, विकास की यात्रा जारी रहे, सरकारी नौकरियों में भर्ती में प्रतिबंध लगाता, मेरे नौजवान बेटों सारे प्रतिबंध मामा ने खोल दिए, पुलिस में, शिक्षक में, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां निकालने के आदेश मैंने दे दिए, तेजी से भर्ती होना प्रारंभ होगी, सारे आदेश निकल चुके हैं। और नरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, सैनिक स्कूल का निर्माण अब मुरैना और भिंड जिले की धरती पे करके सेना में भर्ती के नए आयाम खोलने का काम, जिसमें केवल सैनिक नहीं हमारे बच्चे अफसर भी बन पाए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो हमें कह रहे हैं नंगे भूखे, जितनी गाली देना दे लो, जलने वाले जला करें, लेकिन हम तो काम करेंगे आपके लिए। और इसलिए आपसे आज प्रार्थना है, साधारण चुनाव नहीं है, ये प्रदेश के भाग्य और भविष्य बनाने का चुनाव है। एक तरफ कमलनाथ, दिग्विजय जैसे लोग,
कि प्रदेश की तबाही और बर्बादी के लिए जवाबदार है, और दूसरी तरफ ये जोड़ी आपके साथ बैठी है सिंधिया जी, और इसमें जुड़ गए हम, विकास में और आपके कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बताइए आप सबको हम पर विश्वास है? जोर से बताइए सबको विश्वास है? तो यही निवेदन कर रहा हूं कि ये काम तब कर पाएंगे जब गिरिराज दंडौतिया चुनाव जीत के आएंगे। देखो भैया, हम और ये संघ में जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं कि ये जीतेंगे तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे, और ये हार गए तो हम भी झोला लटका के फिर बाहर चले जाएंगे, फिर वही दो ही आ जाएंगे। और इसलिए आपसे निवेदन है, आपका वोट कमल को डलेगा तो गिरिराज दंडौतिया को तो मिलेगा ही, लेकिन अकेले गिरिराज दंडौतिया नहीं, शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाए रखने के लिए मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी सम्मान का सवाल है, ये इसी धरती से सांसद, इसी धरती पर जन्म लिया, ये वोट नरेंद्र सिंह तोमर को भी जाएगा और ये वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी जाएगा। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इस बार कोई चूक ना हो जाए, दिन और रात 22-23 दिन जितना समय बचाए, एक ही धुन कमल को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे और गिरिराज दंडौतिया को अपना विधायक बनाएंगे। मंत्री तो मैंने बना ही दिया यार, अब छोटी मोटी जीत के लिए तो गिरिराज चूकना मत, तुम ही कर डालना, पैसे वैसे भेजते रहेंगे, चिंता मत करना। हाँ मैं सही कह रहा हूं, कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगा, अब जब चुनाव जिताने लाए तो कहने पर काम भी करेंगे सारे, चिंता मत करना, हम कमल मगलनाथ थोड़ी है, नरेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद है, मैं साथ हूं, मोदी जी का भी आशीर्वाद लेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कोई कसर ना छूटे। एक चीज आपसे मांग रहा हूं, मांग लू क्या? अरे सब बताओ, मांग लू क्या? ये 22-23 दिन भाजपा को चुनाव प्रचार के लिए दे दो, गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूंको और गिरिराज दंडौतिया को लेके आओ। बोलो तैयार हो? आओ अपने अपनी जगह खड़े होके भारत माता की जय बोल के गिरिराज दंडौतिया को जिताने का संकल्प लें, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें, शिवराज को मुख्यमंत्री बनाए रखने का संकल्प लें। अपने अपने स्थान पर खड़े रह के उठाइए दोनों हाथ, बांधिए। हमारे खास कार्यक्रम हला बोल में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं स्मिता। हला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हला बोल। तलाबोल में आज हम आपको बताएंगे कैसे गांव की तस्वीर जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या बदलेंगे दिन। जी हाँ, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक गांव जो बदहाली का दंश झेलता हुआ नजर आ रहा है और सरकारी योजनाओं के लोक लुभावन वादों की परत दर परत खोलते वादों की कागजी कहानियों को बयां करता दिख रहा है, जहां सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले जिम्मेदारों ने भी कभी इस गांव की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन एक ऐसे गांव से जो कहने को तो गांव है लेकिन हकीकत में कहे तो किसी जलाशय से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा की पूर्व केंद्रीय मंत्री व मौजूदा सांसद मेनका गांधी के लोकसभा संसदीय क्षेत्र के ग्राम सभा अमेठा की, जो कि सुल्तानपुर जनपद से मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कहने के लिए शासकीय अभिलेखों में तो ग्राम सभा है लेकिन धरातल पर किसी जलाशय या फिर यूं कहें कि तालाब से